हेलो दोस्तों, मैं राज, सिविल इंजीनियर .com में आपका स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर 10 क्लास 12। हेलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, एक समान वाह प्रतिशत में वैद्युत विद्युत को घुमाने पर किए गए कार्य, जो वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर से लिया गया है और यह क्लास 12 का लेक्चर नंबर 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। हम लोग एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य कितना होता है। तो देखिए, हम लोग ये कोई वैद्युत क्षेत्र मानते हैं, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस पर यहां से इसे डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, जो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से इसके बीच की दूरी 2L है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब समान परिमाण के दो आवेश जिनके चिन्ह क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वे एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो उस निकाय को, उस सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसे जब घुमाते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मानते हैं, यहाँ पर हम मानेंगे इसे थीटा एंगल से घुमा देते हैं। तो देखिए, थीटा एंगल से घुमाने पर तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव डिग्री कहाँ पर चली आई, यहाँ पर आया, इसे थीटा डिग्री से घुमा दिया गया। देखिए, ये 2L है, ये भी 2L होगा, अब यहाँ से हमें, जो कि ये भी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, तो ये 2L हो गया। अब ये थीटा एंगल, तो इसके सामने ये लंब हो गया, तो अगर हमें इसकी लंबाई निकालनी होगी तो साइन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं, इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी, इसे सी, तो बी सी अपान क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो बी सी की लंबाई अगर हमें निकालनी होगी तो बी सी इक्वल टू 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2L साइन थीटा, इस प्रकार से इसकी लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, डाइग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत ध्रुव को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल से मोमेंट करा दिया गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कार्य कितना प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, जब ये वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर बाहर की ओर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है F, और यहाँ पर भी बाहर की ओर क्या लगेगा, फोर्स F लगेगा। तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा, बल इनटू बल की क्रिया रेखा होगी, बल की क्या होगी, क्रिया रेखा होगी, ठीक है। अब देखिए, अब बल क्या है, इसी में बल आघूर्ण को लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टाउ हो गया, बल एफ है और बल की क्रिया रेखा क्या है, ये है बल की क्रिया रेखा 2L साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या इक्वल टू एफ अपान क्या होता है, क्यू होता है, तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, ई इंटू क्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, टाउ इक्वल टू ई इंटू 2QL साइन थीटा हो जाएगा। अब ये 2QL हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, तो यहाँ पर हम लोग P रख देंगे, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या बलयुग्म का आघूर्ण अभी पाए हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए देखिए करते क्या है, मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
इसे हम लोग एक सूक्ष्म एंगल डी थीटा पर घुमाते हैं, और डी थीटा से घुमाने पर हमें क्या एक सूक्ष्म कार्य मिलेगा, और इस सूक्ष्म कार्य को 0 डिग्री से थीटा डिग्री के बीच इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें इस पूरे वायु क्षेत्र में इसे इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने पर किया गया कार्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं, माना इलेक्ट्रिक डायपोल को डी थीटा कोण से विस्थापित कराने पर किया गया कार्य dW। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एंगल इतने पर हम लोग विस्थापित कराने पर डी थीटा हो, और इतना किया गया कार्य क्या हो, dW हो, तो देखिए क्या होता है, मतलब देखिए कार्य इक्वल टू क्या होगा, W = F × d। अब यहाँ पर कोणीय है, तो यहाँ पर ये tau × d θ हो जाएगा, तो यही हमें यहाँ पर tau × d θ के साथ इसे निकालना पड़ेगा हम। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर डायग्राम का कोई देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, dW = tau × d θ हो जाएगा। ये क्या कार्य पता हो गया हमको। अब dW = tau वैल्यू रखते हैं PE sin θ × d θ, तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, dW = PE, तो कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin θ d θ, और कहाँ से, 0 डिग्री से थीटा डिग्री के बीच, ठीक है, 0 डिग्री से थीटा डिग्री के बीच क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W में पूरा वर्ग पता हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा PE, और sin θ का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos θ होता है, ये थीटा डिग्री से 0 डिग्री के बीच PE माइनस कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos θ और cos 0 डिग्री W = -PE, ये क्या हो जाएगा, cos θ, cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस इंटी कराते हैं, तो PE 1 - cos θ। इस प्रकार से ये हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो कह सकते हैं कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब घुमाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये कार्य प्राप्त होता है। अब ये जिस एंगल पर हमें जितना वर्ग निकालना होता है वह एंगल रखते हैं, और हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र पता होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पता होता है, इस प्रकार से हम पूरा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल, ये टॉपिक इस पर समाप्त होता है। आइए हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसे देखेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विध्रुव की स्थितित ऊर्जा। ये बहुत ही टॉपिक आसान है, बस थोड़ा सा केयरफुली हमें समझना होगा कि कैसे क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए कि कोई क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब उसके कारण हमें क्या निकालना है, स्थितित ऊर्जा निकालनी है। तो ध्यान से देखेंगे, देखें कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, 2L, ये कहीं से ऐसे मूवमेंट करता हुआ है। देखिए होता क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब ये कहीं अनंत से जो है वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। तो देखिए, जब आता है तो प्लस चार्ज भी आया होगा और माइनस चार्ज भी आया होगा, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्लस चार्ज के द्वारा किए गए कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, और ऋण आवेश के द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसके द्वारा कार्य हमें करना पड़ता है, इसके द्वारा कार्य हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा किए गए कार्य एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ निगेटिव होगा। तो अगर इस पॉइंट तक देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, अगर इस पॉइंट तक देखा जाए तो सभी के कार्य एक पॉजिटिव निगेटिव तो शून्य होता जाता है,
जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किसी पर किसी वर्क पर हम क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और उतना ही पैसा हमें मिल जा रहा है, तो हमारा इन्वेस्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या, अगर ये पॉजिटिव द्वारा हम कार्य कर रहे हैं और निगेटिव द्वारा हमें कार्य मिल जा रहा है उतना, तो क्या हमारा किए गए कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन अगर जैसे इस पॉइंट पर हम लोग निकल पहुँचते हैं तो ये यहीं पर स्टेबल रुक जाता है और माइनस क्यू चार्ज क्या करता है, फ्यूल डिस्टेंस अधिक चला जाता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने पर हमें माइनस क्यू चार्ज के द्वारा टूएल दूरी अधिक चलनी पड़ती है, अर्थात किया गया नेट कार्य जो होता है माइनस क्यू आवेश के कारण ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर किसी वैद्युत ध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं, किसी वैद्युत ध्रुव को इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं तो नेट आवेश जो प्राप्त होता है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण ही प्राप्त होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के कारण किया गया कार्य कितना होगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण किया गया कार्य, किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज पर बल, माइनस क्यू चार्ज पर बल इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी। ध्यान दीजिए, माइनस क्यूएल द्वारा चली गई दूरी इसलिए नहीं लिख रहे हैं या बता रहे हैं क्योंकि यह अतिरिक्त दूरी टूएल ही चल रहा है। चलने तो अनंत से आया है, यहाँ तक बहुत सारी दूरियां चले हैं, लेकिन यहाँ पर किया गया कार्य नेट माइनस क्यू चार्ज के कारण ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस टूएल ही डिस्टेंस लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, माइनस क्यू चार्ज पर बल जो होगा, अब देखिए इक्वल टू एफ अपान क्या करते हैं क्यू, अब माइनस क्यू है तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई इंटू क्यू इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी क्या है, ये टूएल है तो टूएल हो जाएगा। अब देखिए ई इंटू टू क्यू एल, और हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है, टू क्यू एल होता है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, और ये माइनस में था तो माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये इसके द्वारा किए गए कार्य हो जाएगा। अब देखिए यही कार्य क्या होगा, वैद्युत ध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो लिखेंगे यही कार्य वैद्युत ध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ये ऐसे आ रहा है तो इसके बीच थीटा का परिवर्तन जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ ले सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में यू जीरो डिग्री इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, अर्थात हमें जीरो एंगल पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस पी डॉट ई मिलेगा। आप कह सकते हैं कि अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा डिग्री से घुमाने पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कितने डिग्री से घुमाने पर, थीटा डिग्री से जब हम लोग घुमाएंगे तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य जो होगा वो क्या, हम लोग अभी आगे पढ़ चुके हैं पी डॉट ई वन माइनस कॉस थीटा, ये किया गया कार्य हो गया। और देखिए हमने बता चुका है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो किए गए कार्य ही उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुल स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी कुल स्थितिज ऊर्जा
उसकी ऊर्जा यू थीटा इज पल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यू जीरो प्लस क्या हो जाएगा डब्लू। इसके द्वारा किए गए कार्य या इसकी स्थितिज ऊर्जा, और ये भी एक प्रकार की इसकी स्थितिज ऊर्जा है मतलब कार्य ही है, तो अब कह सकते हैं क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस पी डॉट ई और इसकी वैल्यू रखते हैं पी ई वन माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार से माइनस पी ई प्लस पी ई माइनस पी ई क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और फाइनली क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्लस माइनस होने के कारण कट जाएंगे और यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, अर्थात हमें जिस एंगल पर निकालना हो उसी का ऋणात्मक पी ई कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो उसके द्वारा कुल हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इस चैप्टर इलेक्ट्रिक विभव का सारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग कैपेसिटर चैप्टर के लेकर आएंगे, आगे इसी सीरीज के आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 11 जो होगा वो कैपेसिटर चैप्टर से होगा, संधारित्र चैप्टर से होगा, इसलिए आगे इसी सीरीज को बढ़ाते हुए पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ हम।